नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम हॉलीवुड मूवी लायन किंग के दो दिन के इंडियन कलेक्शन के बारे में। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे तमिल मूवी कोदरम कोंदान के दो दिन के कलेक्शन के बारे में। इस हफ्ते रिलीज हुई तेलुगु फिल्म स्मार्ट शंकर के तीन दिन के टोटल कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे पिछले हफ्ते रिलीज हुई ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 के पूरे 9 दिन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की डेली बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें कोदरम कोंदान फिल्म के बारे में, तो आपको बता दें दोस्तों इस फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है जिया विक्रम और अक्षरा हसन, और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है कमल हसन ने। दोस्तों ये एक तमिल फिल्म है जिसे तमिल के अलावा तेलुगु डब में भी रिलीज किया गया है, और दोस्तों इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड मार्केट में टोटल 780 स्क्रीन मिली है। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म का बजट है 30 करोड़ रुपये, वहीं 15 करोड़ इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन और मार्केटिंग कॉस्ट है, यानी फिल्म पूरी तरह से कंप्लीट होती है 45 करोड़ रुपए में। वही दोस्तों अगर बात करें फिल्म के दो दिन के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड मार्केट में तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज मिला के वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रॉस कलेक्शन किया है 16 करोड़ 30 लाख रुपए। वही दोस्तों अगर बात करें दूसरे दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म को मिक्स रिव्यूज आने की वजह से फिल्म के सेकेंड डे कलेक्शन में एक थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, और फिल्म दूसरे दिन वर्ल्ड वाइड मार्केट में टोटल कलेक्शन कर रही है 13 करोड़ 80 लाख का। इसी के साथ दोस्तों कोदरम कोंदान का जो दो दिन का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 30 करोड़ 10 लाख का। आपको बता दें दोस्तों फिल्म का शेयर कलेक्शन आया है 15 करोड़ 30 लाख रुपए। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं स्मार्ट शंकर के बारे में। दोस्तों पुरी जगन्नाथ के डायरेक्शन में बनी हुई फिल्म स्मार्ट शंकर, जिस फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है राम पोथिनेनी, निधि अग्रवाल और नभा नितेश, इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है चार्मी कौर ने। और आपको बता दें दोस्तों फिल्म एक मसाला एंटरटेनमेंट फिल्म है, और ये फिल्म लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, और फिल्म ने अपने शुरुआती दो दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट का टैग हासिल कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 20 करोड़ के बजट में बनी हुई फिल्म स्मार्ट शंकर ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के पहले अपने सैटेलाइट राइट, म्यूजिक राइट, डिजिटल राइट और थिएट्रिकल राइट और हिंदी डबिंग राइट्स बेचकर 29 करोड़ रुपए कमा लिए थे, यानी 20 करोड़ के बजट में बनी हुई फिल्म ने रिलीज होने के पहले 29 करोड़ की कमाई कर ली थी, यानी कि प्रोड्यूसर 9 करोड़ के प्रॉफिट में रिलीज होने के पहले ही आ चुका था। अब अगर बात करें स्मार्ट शंकर के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही अपने शुरुआती दो दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था 31 करोड़ रुपए का। वही इस फिल्म का शेयर कलेक्शन मिला था 12 करोड़ 6 लाख रुपए का। वही दोस्तों बात करें तीसरे दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म तीसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है, और फिल्म तीसरे दिन भी सभी थिएटर में हाउसफुल जा रही है। तो दोस्तों जो अभी तक की रिपोर्ट निकल के आई है उसके मुताबिक स्मार्ट शंकर फिल्म अपने तीसरे दिन ग्रॉस कलेक्शन कर रही है 8 करोड़ 50 लाख रुपए का। वही इस फिल्म का शेयर कलेक्शन आ रहा है 3 करोड़ 50 लाख रुपए। अब दोस्तों टोटल ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, तो फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है 38 करोड़ रुपए। वही अगर बात करें शेयर कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म का शेयर कलेक्शन आ चुका है 15 करोड़ 56 लाख का। आपको बता दें दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। तो दोस्तों हॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म द लायन किंग इंडिया में रिलीज हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 1994 के लायन किंग की रीमेक इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और फिल्म को हिंदुस्तान में पब्लिक की तरफ से काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हैं। दोस्तों फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही फिल्म का ट्रेलर लोगों को पसंद आया था, और उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये फिल्म हिंदुस्तान में एक बड़ी ओपनिंग लेगी। लेकिन दोस्तों फिल्म के साथ एक अच्छी बात और हो गई कि इस फिल्म के साथ में बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान का नाम
जुड़ गया। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस फिल्म को हिंदी वर्जन में शाहरुख खान और उनके सुपुत्र आर्यन खान ने वॉइस ओवर किया है, जिसकी वजह से दोस्तों फिल्म का जो बज है और ज़्यादा ऊंचाई पे चले गया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग काफ़ी तगड़ी है, जिसकी वजह से लायन किंग को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा बूस्ट मिला और फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन भी किया। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें इस फिल्म के इंडिया स्क्रीन काउंट के बारे में, तो इस फिल्म को हिंदुस्तान में लगभग 2100 स्क्रीन में रिलीज किया गया है, जिसमें तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और इंग्लिश शामिल है। और अगर बात करें फिल्म के दो दिन के टोटल कलेक्शन की, तो दोस्तों इस फिल्म ने पहले दिन हिंदुस्तानी मार्केट पे 11.6 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था नेट। वही ग्रोस कलेक्शन फिल्म का पहले दिन रहा 13.25 करोड़ का। वही बात करें इस फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों इस फिल्म को दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग मिली और फिल्म मॉर्निंग वाले शोज में 40-45% की ऑक्यूपेंसी पे चली। वही आफ्टरनून के शोज में भी एक काफी अच्छा जंप देखने को मिला। और अगर बात करें नाइट शो ऑक्यूपेंसी के बारे में, तो दोस्तों ये फिल्म नाइट वाले शोज में भी काफी बढ़िया जा रही है। तो दोस्तों जो अभी तक की रिपोर्ट निकल के आ रही है, उसके मुताबिक द लायन किंग अपने दूसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर रही है 14.50 करोड़ रुपए का नेट। वही इसका ग्रोस कलेक्शन हो जाना है 16.75 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का जो दो दिनों का इंडियन नेट कलेक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा 25.56 करोड़ रुपए। वही अगर बात करें ग्रोस कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म का दो दिनों का इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो रहा है 30 करोड़ रुपए। आपको बता दें दोस्तों, फिल्म को रिव्यूज काफी शानदार मिले हैं और उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इंडिया मार्केट में मिनिमम 100 करोड़ का आंकड़ा बड़ी आसानी से पार कर जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं इस फिल्म को शाहरुख खान के फैंस की तरफ से एक बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। अब देखते हैं दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर पाती है। तो दोस्तों विकास बहल के डायरेक्शन में बनी हुई फिल्म सुपर 30, जिस फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है ऋतिक रोशन, मृणाल ठाकुर, आदित्य श्रीवास्तव और पंकज त्रिपाठी, दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता कंप्लीट कर दिया था और फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी शानदार कलेक्शन किया। लेकिन दोस्तों फिल्म का दूसरा हफ्ता स्टार्ट होते भी फिल्म ने दूसरे हफ्ते के वीकेंड में भी काफ़ी शानदार कलेक्शन किए और फिल्म दूसरे हफ्ते में भी जिस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर रही है, उसे देखते हुए लग रहा है कि दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लंबी चलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें फिल्म के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो सुपर 30 ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग ली थी, यानी अपने पहले दिन कमाए थे 11.83 करोड़ रुपए। वही दोस्तों फिल्म ने अपने पहले वीकेंड यानी शुरुआती तीन दिनों में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया था। वही दोस्तों फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में टोटल कलेक्शन किया था 75.85 करोड़ का। वही अगर बात करें दूसरे हफ्ते की, तो दोस्तों फिल्म ने दूसरे हफ्ते में अपने 8वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर कमाए 4.70 करोड़ रुपए। वही अगर दोस्तों बात करें 9वें दिन की यानी दूसरे शनिवार की, तो दोस्तों फिल्म के कलेक्शन में फिर से दूसरे शनिवार एक जंप आया और फिल्म मॉर्निंग वाले शोज में 35% की ऑक्यूपेंसी से स्टार्ट हुई है। वही दोस्तों फिल्म की इवनिंग और नाइट की एडवांस बुकिंग भी काफ़ी शानदार है और जो अभी तक की रिपोर्ट आ रही है, उसके मुताबिक ये फिल्म अपने 9वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर रही है 7 करोड़ का। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का 9 दिनों का जो टोटल इंडिया नेट कलेक्शन होता है, वो हो रहा है 87.55 करोड़ रुपए नेट। वही अगर बात करें इंडिया ग्रोस कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म का शुरुआती 9 दिनों का इंडियन ग्रोस कलेक्शन हो रहा है 103 करोड़ रुपए। अगर बात करें ओवरसीज कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म का अब तक का टोटल ओवरसीज कलेक्शन हो चुका है लगभग 26 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन होता है 9 दिनों में, वो हो चुका है 129 करोड़ रुपए। आपको बता दें दोस्तों, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हो चुकी है, लेकिन अभी देखना ये बाकी है कि दोस्तों फिल्म ने 129 करोड़ तो कमा लिए हैं, क्या यह फिल्म वर्ल्ड वाइड मार्केट में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाती है या नहीं। क्योंकि दोस्तों फिल्म दूसरे हफ्ते में जिस तरह से फिर से स्टार्ट हुई है, उसे देखते हुए लग रहा है कि फिल्म वर्ल्ड वाइड मार्केट में मिनिमम 200 करोड़ का कारोबार आसानी से कर सकती है। वैसे दोस्तों आने वाला टाइम ही बताएगा कि ये फिल्म वर्ल्ड वाइड मार्केट में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाती है या फिर 170 या 180 करोड़ तक ही रुक जाएगी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, सुपर 30 का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहने वाला है, 170 करोड़, 200 करोड़ या 250 करोड़? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और डेली बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम कह रहे हैं ज़्यादा बात करोगे ना तो ठा कर देंगे हम। ठा क्या करेंगे।
था, था हो सकता है, लेकिन उसके बाद एक और आएगा, था, था, और था का होता, था, था, था होता, और ठो करके ठा हो जाएगा, और फिर ठो करके ठो, टठो, ठो, टठो, 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 टठो हो जाएगा।